रिहाना का रंग काफी दबा हुआ था, जिस कारण कोई भी उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लड़के वाले आते हैं और उसे देखकर चले जाते हैं। वहीं अगर कोई उसे शादी करने के लिए तैयार हो भी जाता तो भाई लाखों रुपए दहेज की डिमांड करता। लोग हमसे जलते हैं इस बात से, कितने ज्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। खूबसूरत और तुम। नाइस जोक रिहाना। यार घर में सब तुम्हारी शादी के लिए परेशान है और तुम बॉयफ्रेंड बनाकर रंग रलिया मना रही हो, शर्म तो कर लो। भाभी आप ये सब क्या बोल रही हो? हाँ तो तुम ही तो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो लेकर नाच रही हो ना, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नंद भाभी का शोर सुनकर रिहाना की माँ वहाँ पे आ जाती है। क्या हुआ, किसके बॉयफ्रेंड की बात हो रही है? ये तुम्हारी काली कलूटी बेटी, इसका बॉयफ्रेंड भी है। बहू ढंग से बोल, तेरी नंद है वो बेटी। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बता दे हमें, हम उसी से तेरी शादी करवा देंगे। क्या माँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं कान्हा जी की फोटो लेकर नाच रही थी। आप तो जानती है मैं कान्हा जी को कितना मानती हूँ। और भाभी आप अपने गोरे रंग पर इतना घमंड मत करो, वो गाना नहीं सुना क्या? गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। अच्छा जवाब दिया उसे। अच्छा सुन, शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तैयार हो जाना। वही शाम में सुहेल अपने परिवार के साथ रिहाना के घर आता है। सुहेल तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ लड़की देखने आया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये मेरी बेटी है बेटा, इसे ही तुम देखने आए हो। अभी से पति का नाम लिया जा रहा है, अगर रिश्ता पक्का हो गया तो ना जाने क्या होगा। माँ रिहाना और मैंने साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इनफैक्ट हम दोनों कॉलेज टाइम के अच्छे दोस्त हैं। फिर दोनों फैमिली कुछ देर आपस में बात करती है, उसके बाद। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं बहन जी? एक मिनट, हम आपस में बात करके बताते हैं। फिर सुहेल के घर वाले आपस में बात करने लग जाते हैं, जहाँ रिहाना के सांवले रंग की वजह से वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते। माँ मुझे रिहाना हमेशा से पसंद रही है, मैं इसके सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा। इसके बाद सुहेल की जिद के आगे सभी हार जाते हैं और रिहाना और सुहेल की शादी हो जाती है। फिर एक दिन। क्या बात है कोकिला बहन, नई बहू को आए हुए महीना बीत गया, बहू की मुंह दिखाई तो करवा दो। मैं मेरी बहू को पर्दे में छुपाऊं या मुंह दिखाऊं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कोई हूर परी लेकर आई हो क्या, मुंह दिखाई ही नहीं करना चाहती है। इस तरह मोहल्ले वाले कोकिला जी को बहू के मुंह दिखाई के लिए फोर्स करने लग जाते हैं। अजी सुनिए, ससुराल में जब बहुएं शादी करके जाती हैं तो उनकी मुंह दिखाई होती है, लेकिन सासू माँ मेरी मुंह दिखाई क्यों नहीं करना चाहती? मैं माँ से बात करता हूँ। फिर सभी के बहुत फोर्स करने पर कोकिला जी थक हार कर मुंह दिखाई के लिए मान जाती है। वही मुंह दिखाई के फंक्शन में। कहाँ से लाई है ये काला पत्थर ढूंढ कर, ऐसा लग रहा है कि दूध में घोलने के लिए चारकोल पाउडर लेकर आई हो। सही कहा बहन, गोरे के साथ कलूटी, पूरा काला हीरा है ये तो, अंगूठी में लगे तो हाथ की शोभा ही खराब कर दे। वही पड़ोसनों द्वारा बनाए मजाक से कोकिला जी को अपनी बहू के काले रंग से और भी ज्यादा नफरत सी होने लगती है, जिस कारण अब वो उसे बहुत मारना पीटना शुरू कर देती है और रिहाना चुपचाप सब कुछ सहन करती है। ऐसे ही एक दिन। दीदी आज आप दूध लेने आई हो, माँ जी कहाँ गई हैं? क्यों? कहीं आपके छूने से दूध काला हो गया तो? तभी कोकिला बहन ये सब सुन लेती है। वही एक मामूली से दूध वाले ने भी रिहाना का अपमान कर दिया। ये देखकर उन्हें रिहाना के रंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चाबुक से रिहाना को मारने लगती है। तभी अचानक से झूमर छत से छूट जाता है और वो कोकिला बहन के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी रिहाना उन्हें बचा लेती है। इसके बाद कोकिला अपनी गलती पर बहुत पछतावा महसूस करती है और रिहाना को वो गले लगाती है। अब जब भी कोई रिहाना के रंग को लेकर कोई बातें बनाता है या उसका मजाक उड़ाता है तो कोकिला जी हमेशा अपनी बहू के लिए लड़ने को तैयार रहती है।